भगवान शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र भगवान शिव की नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उदारता से आप और हमको नवरात्रे के इस पावन अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। देवी जी का दर्शन करा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। करा है? तलवार है उनके हाथ में? ठीक है। काय पे बैठी हैं? हैं? शेर पे। तो मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ए सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो, एक नारी में आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़या शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूं, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूं, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शस्त्र उठाना, शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये मां जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर उससे कहकर आना, मां जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें, हम याद रखें। शिव कथा कहती है, शिव जैसे गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, आवाज बढ़ाओ, शिव जैसे गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और वो रुद्राक्ष केवल भगवान शंकर के लिए, शंकर जी नहीं पहनते, वो रुद्राक्ष भगवान शिव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए धारण करते हैं, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए। अब आप विचार करेंगे कि शंकर भगवान रुद्राक्ष पहने हैं और उसमें विश्व का कल्याण कैसे है, शिव जी रुद्राक्ष धारण करे हैं उसमें विश्व का कल्याण कैसे निश्चित हो सकता है? एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ये वाला एसी आवाज कर रहा है, इसको बंद कर दे। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की कथा सुनकर श्रवण कर यदि कोई दूर से भी निकल कर जा रहा है, बहुत ध्यान देना कथा पर,
कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष विश्व का कल्याण कैसे करता। विद्येश्वर संहिता कहती है कि अगर कोई भूलवश भी अगर शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर निकल कर जा रहा है और उसके शरीर से छूकर हवा वायु जो चलती है, उसके शरीर से छूकर जो वायु निकलती है, जो हवा चलती है, चलती हुई हवा यदि उसके शरीर से भी छूकर निकल गई और जितनी जितनी दूर जहाँ जहाँ तक वो हवा जाती है, वो पवन जाती है, वो वायु जाती है, और उस हवा के क्रम में जितने जितने जीव आ जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो जीव आ गया, शिवपुराण कहती है उनका दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो संसार सागर से मुक्त हो गया। शिव जी के गले में रुद्राक्ष की माला है, शंकर जी के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मस्तक पर चंद्र है, गले में सर्प है, मृगछाला पहने हुए हैं। ये मेरे बाबा ने जितना जितना स्वरूप बनाया है, मेरे बाबा जितना जितना श्रृंगार ये करे हैं, ये संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए करे। पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से अमर गुफा के अंतर्गत अमर कथा को श्रवण करते हुए माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर आपके भी मुख पर होना चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर आपकी भी जिंदगी में होना चाहिए। शिव कथा कह रही है, एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, अमरनाथ की गुफा में हम प्रवेश करें ना करें, अमरनाथ जी का दर्शन करने हम पहुँचे ना पहुँचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुँचे ना पहुँचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर भी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा प्रभु स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं पांच वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती हूं। केवल पंच वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूं। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, दूसरा गले में पड़ा हुआ सांप, तीसरा मस्तक पर लगा हुआ चंद्र, चौथा मस्तक पर रखी हुई गंगा, और पांचवा कंठ में पड़ा हुआ विष। ये पांच चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये पांच चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन पांच चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता, किस स्थान पर जाता। बाबा देव अधिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू पांच दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है, तो फिर
पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान कर देता है। बाजार में बहुत सारी गाय रोड पर मिलती है, बोलो रही नागपुर की जीजियों, सही है? और जितने जीजा उन बैठे वो भी बोल दो, सही है? बहुत सारी रोड पर गाय मिलती है, बगीचे में गाय मिलती है, जंगल में गाय मिलती है, किसी किसी गाय के गले में रस्सी बंधी होती है। रस्सी बंधी है मतलब ये गाय किसी ना किसी की है, बोलो रही नागपुर वाली जी, सही है? और जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं बंधी हुई है, तो वो कह देते हैं ये किसी की गाय नहीं है, लावारिस है, फिर रही है, जंगल में घूम रही है, ये लावारिस है। जिसके गले में रस्सी बंधी है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस है, जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, है। और जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसके गले में पट्टा नहीं है, जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी है, वो वारिस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? लावारिस। वो वारिस नहीं है, वो लावारिस है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके गले में तुलसी का मनका है, जिसके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है, समझ लेना उसका वारिस भोलेनाथ और नारायण विराजमान। उसका वारिस है। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना भी कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। पर एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने एक पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती, तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की माँ अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की माँ अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ था। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली माँ अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया, सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए, इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, तब माँ अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं क्या कर सकता। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है, चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों महामंत्रियों बताओ अब करा क्या जाए, आप ये बताओ
अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में। मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़ें तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर तीन तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक भी नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सकें। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, मौन, एकदम मौन। मां अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन हो गई, अकेली रथ में बैठकर मां अहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। मां रेवा के घाट पर मां अहिल्याबाई होलकर ने बैठकर मां रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां नर्मदा, रेवा, तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई हूं, आज तू मुझे बल दे दे। रेवा, मां नर्मदा, तू मुझे बल दे। वहीं से मां अहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर। वहां पर एक शिवलिंग था जिसको मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री, मंत्री, अपनी सेना के चार टुकड़े कर दे, चार टुकड़े चार किलो पर भेज दिए जाएं, चारों ओर लगा दिए जाएं। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी, इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे, ये तो एक मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंचकर युद्ध लड़े। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देव अधिदेव महादेव लड़ेंगे। सेना को बांटा गया। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, आप अगर पत्र को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से पत्र पढ़िएगा, एलईडी पर भी पत्र चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। गुरुजी, सच्ची श्रद्धा से बताती हूँ कि मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहुत सारी महिलाएं आपके बारे में कहती थी, कभी लोग कहते थे कि एक बार कथा सुना करो, पर मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसी टीवी पर ना जाने कितने महाराज आते हैं, कथा कहते हैं, अपना अपना यशगुण गाते हैं, पर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का, अगर एक लोटा जल दुनिया के लोग चलाते रहते तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते। मैं नहीं मानती ऐसे गुरुजी को, मैंने आपकी कथा भी नहीं सुनी थी, आपको मानती भी नहीं थी, पर गुरुजी, मैं खुद बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी, धन दौलत संपदा क्या होती है मालूम नहीं था, पर गुरुदेव, सब लोगों से मैंने एक ही बात कही कि अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो ढेर सारे बन जाते। तब मेरे पास वाली आंटी ने मुझसे कहा कि तू एक बार जल चढ़ा कर तो देख, तेरा भी दुख मिटेगा। मानती नहीं हूं, फिर भी 4 साल से मैं अपने बच्चों को अकेली साथ में रहती हूँ, उन बच्चों के साथ में छोटा सा कारोबार है, मेहंदी तेल, बस यही फेस पैक वगैरह आगे बेचती हूँ, बनाती हूँ, इतना चलता नहीं है, गरीब बड़ी हूँ, तो विश्वास कैसे करूँ। अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो बात थी। मेरी पड़ोसन ने कहा
तू मुंह से कहती है एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ तो कर, मैं काम करूं कि जल चढ़ाऊं। फिर भी मेरी पड़ोसन के कहने से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमेशा विरोध करती थी आपका, आपके व्रत का विरोध करती थी, एक लोटे जल का विरोध करती थी, पर पहली बार मैंने मंदिर के अंदर पांव रखा और जल चढ़ाया और पहला सोमवार का पशुपति व्रत करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी जिंदगी पलट दी और मुझे वास्तव में कि वो करोड़पति बनाने वाला भी वही है और सुख देने वाला भी वही है। मैं क्या वर्णन करूं, पहला सोमवार और मुझे छत्तीसगढ़ से एक कंपनी ने मेहंदी और तेल और फेस पैक का ऑर्डर दे दिया जो कि कई लाखों का था। बाबा की कृपा से मुझे पहले सोमवार पर वो फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव, पहला ऑर्डर मैंने पूरा करा जब मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ, दूसरा ऑर्डर फिर मुझे वापिस छत्तीसगढ़ से फिर प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से लोग सत्य कहते हैं गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ गुरुदेव कि शिव महापुराण कोई पुराण नहीं, स्वयं शिव पुराण के रूप में शंकर कथा करने आता है और शंकर कथा कहता है और शंकर ही कथा सुनता है। ये शिव तत्व है, यो घड़ी है, ये शंभु है। अगर कहीं बैठी हो मंजरी मंदार पाटिल गोपाल नगर नागपुर रहवासी, कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बधाई आपको, साधुवादता। ये शिव तत्व है ओ घड़ी। मेरे बाबा तू सरल नहीं है, तू सहज नहीं है मेरे बाबा। पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विष का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ कि ना हुआ पता नहीं, पर एक रुद्राक्ष का भी दर्शन भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है, जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं पट्टा नहीं वो लावारिस है, उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है शंकर उसका वारिस है, जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विट्ठल, मेरा पंडरीनाथ मेरा हरि विट्ठल उसका वारिस है, मेरा हरि उसका वारिस। उसका वारिस कहलाएगा। आप कभी अपने मुख से यह मत कहना कि मेरा कोई नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, वो कभी अपने मुख से यह ना कहे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसके साथ शंकर और 33 कोटि देवता होते हैं, जिसके गले में तुलसी का मनका तुलसी की माला होती है उसके साथ पांडुरंगा हरि विट्ठल मेरा नारायण और सारे देवता होते हैं, सब हैं आपके साथ। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, चाहे घर में फर्नीचर कम होगा चल जाएगा, क्या कम होगा बोलो बोलो जम के बोलो जरा, फर्नीचर, घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर कम होगा नहीं चलेगा। नेचर प्रबल रखिए, फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा है। आप क्या नेचर रखते हो, आपका व्यवहार क्या रखते हो, आपके चेहरे पर कितनी स्माइल है, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके अंदर कितनी नम्रता है, वो देखा जाता है।
आपके घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर में कमी नहीं आना चाहिए, नेचर कम नहीं होना चाहिए। जितनी नम्रता दे सकते हो, जितनी करुणता दे सकते हो उतनी दीजिए, जितना प्रेम रख सकते हो उतना दीजिए। नेचर बदलो, फर्नीचर बदलने से कुछ नहीं होगा घर का। अभी इससे पहले छत्तीसगढ़ की कथा थी, हमने कहा था घर बदल के देख लिया, घर में शांति नहीं आई, दुकान बदल कर देख ली शांति नहीं आई, व्यापार बदल कर देख लिया शांति नहीं आई, गाड़ी बदल कर देख ली शांति नहीं आई, किसी ने कह दिया घर की दिशा चेंज कर लो वो बदल ली, किसी ने कहा बाथरूम बदल लो, कोई ने कहा सीढ़ी बदल लो, कोई ने कहा रसोई घर बदल लो, कोई ने कहा दुकान बदल लो, कोई ने कहा व्यापार बदल लो, कोई ने कहा गाड़ी बदल लो, कोई ने कहा पहनने का तरीका बदल लो, कोई ने कहा कपड़े बदल लो, सब कुछ बदल कर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बार शिव महापुराण की कथा मानो, कुछ मत बदलो, जिस घर में रह रहे हो उसी में रहो, जो व्यापार कर रहे हो उसी को करो, बस अपने नेचर को थोड़ा सा बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाए। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पाना। हम अंदर से कठोर बन गए, बहुत कठोर, अब इतनी भीतर की कठोरता हमारे भीतर विश्वास कैसे पैदा करेगी, हमारे भीतर भक्ति कैसे पैदा करेगी, हमारे भीतर नम्रता कैसे पैदा करेगी। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आपके ये पांच चीजों का दर्शन जीव को क्या देता है। शंकर भगवान कहते हैं इन पांच का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया, काय का दर्शन जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है, क्यों नहीं। बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुएं ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती, हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते, रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते। कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए। रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा, उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा। शिव कथा कह रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब, किसको पता है, किसको मालूम। कौन सा समय हमारा आखिरी होगा यह किसको मालूम। महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमुची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। वो नमुची जिसका नाम था नमुची, एक ऐसा दैत्य नमुची
जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मय दानव, जिसका भाई था रंभ और करंभ। शुंभ निशुंभ का भाई नमुची, जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र पर आक्रमण कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमुची तुझे क्या चाहिए? नमुची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमुची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए। और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमुची तुझे क्या चाहिए? नमुची कहता है, बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूँ। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमुची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते। अब नमुची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गया। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा, देवी जी की आरती में आप लोग गाते होंगे, गाते हो शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमुची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमुची चला, कैलाश पर पहुंचा तो देवाधिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थे, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशुक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है, करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, मैं हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है, करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है,
ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है वो स्थान, समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो आप। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ना कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खड़ी हो खत्म होती है, वहाँ से जो शिवलिंग रखा इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहाँ का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। एक माने पत्र लिखा है, मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है, मोबाइल नंबर ये है, पता भील गांव नाका नंबर 2 कामठी रोड नागपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का और रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी, पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूं गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह लें शाम को लें गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिवजी से रोज प्रार्थना कर कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए, ये शिव तत्व है। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी, मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी, उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती।
बाबा आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान के जो जल बहकर नीचे गिरता है जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान है, दुर्वा को टच कर उसको खाने का कहा था गुरुदेव। मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त तो हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा, शिव तत्व ओघड़ी की कृपा, ये शंभू है शंकर। कुछ स्थान होते हैं जिस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हमारे जीवन के अंतर्गत तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहां स्थान है जिसकी मूलता भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो फिर लो, तुम्हारी मर्जी तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यासपीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यासपीठ पर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यासपीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता। नंदी के स्थान को चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंत्री हो, उसको भी यहां से वहां सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुंचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यासपीठ के सम्मुख, अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड वाला साउंड लगाता है, बक्से वाला बक्सा लगाता है, तो हम उससे कह देते हैं यहां से यहां तक पैक कर दो, ये नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जावे। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता नंदीश्वर तुमरुका जी इस व्यासपीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का स्मरण, उतनी देर शिव भक्ति का स्मरण वो कर रहे होते हैं चित्त वृत्ति में। वर्णन चित्त वृत्ति, कई कैमरे वाले ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं, हम उन्होंने अभी तक शिव पुराण में कभी गए नहीं होते हैं, वो क्या भागवत जी में गए हैं, रामकथा में गए हैं, तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं रहता। हमारे भक्त उनसे कहते भैया सामने से नहीं जाना, जाना पीछे से, आप उधर से जाना, शिव के पीछे से निकल जाना, सम्मुख मत जाना, तुमरुका जी है, नंदीश्वर है, उनके गण है, वहाँ स्थान है उनका। जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठा है उतनी देर तक वो स्थान मूल है। व्यास जी नीचे उतर गया, तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, जब तक कोई पंडित शिव पुराण वाचने नहीं बैठा तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया उस समय पर तुमरुका जी को आवाहन कर, नंदीश्वर को आवाहन कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर, आमंत्रित करके झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो, तुमरुका जी आओ, नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया, तीन बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने के। उस स्थान की मूलता होती है। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ, तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये पत्रों का जो ढेर है, ये इतने पत्र एक एक दिन में आ रहे हैं, इन पत्रों को तो हम पढ़ भी नहीं पाते। आपके पास फुर्सत हो तो इन पत्रों को ले जाना, इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस सब है, और उनके घर जाकर पूछना कि बाबा ने तुमको 3 महीने में दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। तुम कहीं पर भी बैठे हो, हम तुम्हें नजर आ रहे नहीं आ रहे, हम तुम्हें दिख रहे ना दिख रहे, तुम दुकान पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, जहां तक तुम्हें आवाज जा रही है, चाहे माइक कहीं तक लगे हैं, चोंगे कहीं तक लगे हैं, जहां आवाज जा रही है वहां तक अगर आप कथा सुन रहे हो, मतलब तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाया है।
वो कृपा करेगा, निश्चित है तेरी झोली भरेगा वो निश्चित। क्या देता है शंकर, क्या नमुची, नमुची शिव की। कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष काल, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं है। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना, एकदम सूना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का शिवजी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था, एक मन का, एक मन का। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी, देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, मालूम है आपको, आपको मालूम है कि नहीं, रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता, शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता, शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। हजार टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी, 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता, वो एक एक कंकर में कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया, ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर अगर दो टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं, अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए, वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई, तो वो खंडित कहलाती है, दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया, तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता, एक एक कण कण में शंकर है, जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं, कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए, महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गाँव से मक्खन एकग्रित करा जाता, माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दुर्भिक्षा मांग कर माखन एकग्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता, शिवजी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता,
पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ते। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिवानंद, उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है, सरल सहज को पहचानिए। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते शिव, और तुम्हारे गले में तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जुड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता, उसका फल उतना की उतना ही होता, उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा, वो कभी खंडित नहीं होता, उसका बल उतना की उतना। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का मिला है, नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दी, अब विचार कर रहा है ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता। नमुची ने एक रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया, शिव चर्चा में लगा, शंकर की चर्चा कर रहा था इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव, सम्मुख में आ गए मेरे देवाधिदेव महादेव, वहां प्रकट हो गए। हे नमुची, मांग तुझे क्या चाहिए? नमुची सोच में पड़ गया, मैं तो ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, शिव जी मिल गए, ना कोई व्रत है, ना कोई साधना, ना कोई तप, शंकर मिल गए। मिलते हैं शिव महाराज, शिव प्राप्त हो अपने स्थान पर देखता, भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, दिल से भाव के साथ, हृदय से बाबा से विनती भाव के साथ में करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर बाबा से विनय करेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, नमस्तु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है।
नमुची को जो रुद्राक्ष मिला उसने उसकी चर्चा की, शिव का दर्शन हुआ, मांगो नमुची तुम्हें क्या चाहिए। देते था नमुची, असुर था, राक्षस था, क्या चाहिए तुमको। नमुची ने कहा, अगर आप मुझे केवल एक वर दे दो कि मैं कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से, कोई अग्नि से, कोई आकाश से, किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना, मेरी मृत्यु ना हो, ये मुझे वर दिया जाए। हमने पहले भी कथा में कहा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे बोलते जाओ तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। राम नाम बोलोगे तो भी मरोगे, नहीं बोलोगे। बस अंतर इतना सा है, बिल्ली चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है तो रक्त में सराबोर कर देती है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है तो खून नहीं आता, रक्त नहीं आता, बच्चा मरता नहीं। उसी तरह जो कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, मरता है पर काल में मसा नहीं जाता। जो बिना भजन के बिना कथा के मर जाता है वो अंत में चूहे जैसा रक्त में सनाबोर हो जाता है। मरना तो है, मृत्यु तो सत्य है, वाह मौत कहां से टल सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, नमुची तुझे मरना तो पड़ेगा। तो नमुची ने कहा कि ये अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, शिव जी ने कह दिया तथास्तु, जा। अब नमुची को जब वर मिल गया, जब तक वर नहीं मिलता, जब तक के कोई पद नहीं मिलता, जब तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जब तक कोई स्थान नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति थोड़ा भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे आप लोग कथा में आए, आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप पहले इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, एक नंबर दरवाज़ा, दो नंबर दरवाज़ा, तीन नंबर दरवाज़ा, सब दरवाजे पर घूम लोगे, तब आखिरी में तुम सोचोगे अब जगह वगह तो मिलने वाली नहीं। फिर किसी पेड़ की छाँव में जब पंडाल पूरे भरे हुए हैं, दुकानें पूरी भरी हुई है, जगहें पूरी भरी हुई है, तो किसी पेड़ की छाँव में तुम बैठ जाओ, स्थान पाना। अब नमुची को ये वर मिल गया कि अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा, तो नमुची के हाथ में जो रुद्राक्ष था उसने वो फेंक दिया। रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने फेंकी थी, बंदर का मुंह लगा था। सुनिए ना कथा, केवल शिवजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी और देवऋषि नारद ने ये कहकर फेंक दी, इससे मुझे क्या करना, ठाकर फेंक, बंदर का मुख लग गया। भगवान नारायण ने जरा सी निंदा सुन ली थी शंकर जी की, भगवान विष्णु ने थोड़ी सी निंदा शंकर जी की सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, हाई ग्रीव अवतार हुआ था। केवल निंदा सुनी थी शंकर भगवान की तो घोड़े का मुख लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी, रुद्राक्ष की माला फेंकी तो बंदर का मुख लग गया। शिव को जो जानता नहीं है वो बाद में पछताता, कोई आए ना, पर आपको आना, तेरे मंदिर में आना, मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा हम आ गए तेरे दरवाजे। नमुची ने रुद्राक्ष फेंक दिया, एक बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूटकर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई तो उस जीव का कल्याण हो गया। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमुची चला गया। गलती क्या कर दी नमुची ने कि रुद्राक्ष को लांग गया। बेलपत्र, रुद्राक्ष, भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए।
जिसने शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है उसको एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मैं भंडारा से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी के आँखों के ऊपर गर्दन के पास 2021 से सफ़ेद दाग हो गए थे। गुरुदेव, आँखों के ऊपर भी सफ़ेद दाग हो गए, गर्दन के पास भी सफ़ेद दाग हो गए। डॉक्टरों के हिसाब से तो इलाज चल रहा था, पर डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो सफ़ेद दाग की बीमारी बढ़ती जा रही थी। गुरुदेव, अब करें तो करें क्या, बेटी की जिंदगी है, अगर उसको ये सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा। गुरुदेव, एक सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर आई, उसने मुझसे कहा तुम्हारी बेटी की आंख के नीचे सफ़ेद दाग हो रहे हैं, गले पर सफ़ेद दाग हो रहे हैं, तुम पशुपति व्रत क्यों नहीं करती, शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी बेटी से कहो कि झाड़ू लगाए पोछा लगाए, शंकर जी का मंदिर पूरा साफ हो जाए, शंकर जी की जो जलाधारी है जहां से पानी बहता है उसका जल शरीर पर लगाना चालू करे। सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर सामान बेचने आई थी और वो ये कहकर चली गई, मैंने अपनी बेटी से कहा तो पास में शंकर का मंदिर है, जाकर झाड़ू पोछा करा कर, मम्मी क्या होगा, वहाँ जो जल चढ़ता है उसको अपनी जगह पर लगा। गुरुजी, आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहां सफेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा, एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई, पर दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही। गुरुदेव, आज हम यहाँ नमन करने आए हैं, मेरी बेटी का पूरा सफ़ेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई, हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। ये शिव है, ओ घड़ी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय, क्या भय, शंकर की आराधना करने वाले को क्या भय होगा, शिव उपासना करने वाले को क्या भय होगा। नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो, थोड़ा निर्माल ले लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं, उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है उसको पानी में डालना बंद कर दो, नदी नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने, वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। शिव कथा कह रही है नमुची ने, केवल रुद्राक्ष को लांग गया नमुची, और रुद्राक्ष को नमुची लांगा, जैसे ही रुद्राक्ष को नमुची लांगा, लांगते से भगवान का अपमान कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी भी मिल जाती है तो हम हमारे बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटक। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला
विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने ऐरावत को दी, ऐरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए। भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप, भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा लो, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर देवालय शिवालय ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य सवर जाएगा, केवल दर्शन। शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर ओघड़ी मेरे शिव शिव कथा कर रही। नमुची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए, बस जो शंकर को नहीं जान पाया अपनी अभिमत्ता में अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया, अंत में बर्बाद। जीव नरक, शिव कथा कहती है जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है हमको, उस अमृत को हमें पाना। कभी जिंदगी में मौका मिले तो पांच दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, पांच दुर्बा एक बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में पांच दुर्बा एक बेलपत्र, एक अक्षत एक चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन, बेलपत्र की जो तीन पत्ती होती है इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा बेलपत्र चावल का एक दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना पांच बेलपत्र पांच एक बेलपत्र पांच दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग एलईडियों पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग अशोक सुंदरी का स्थान बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है वो पीछे का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर यह बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, एक बेलपत्र की मूल, एक शिव कथा कर रही है। नमुची दे दो उधर पर, नमुची रुद्राक्ष को लांग, नमुची रुद्राक्ष
और नमोची रुद्राक्ष को लांग कर गया। ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो, जरा है ना सबके पास में। जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष कमन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप ले, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप ले, केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो। उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहाँ रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बिना काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। महाराज जी से बोला, वो महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के गटर में पड़ा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज ने तुरंत उसको उत्तर दिया, भैया देख मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मन तेरा है, विचार तेरा, चित्त तेरी, वृत्ति तेरी, तू कैसे समझेगा? मुख से समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरे भाई को देख ले जो गटर में पड़ा है, उसको देख कर समझ। ये नमुची कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसको मरने का अगर किसी से पूछना है तो देवाधिदेव महादेव ही बता सकते। भगवान इंद्र, भगवान देवरी देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए, बाबा ये नमुची मर नहीं रहा। बाबा ने कहा इसे मरने वाला नहीं, शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसको मेरा वर है, तो फिर मरेगा कैसे? बाबा कहते हैं इंद्र इसको समुद्र के किनारे ले जा, समुद्र के किनारे ले जा। जो रुद्राक्ष को लांग जाता है मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है, मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है, तू इसको लेकर जा और एक काम कर, समुद्र के किनारे ले जा। समुद्र के किनारे में लेकर तो चले जाऊंगा पर ये मरेगा कैसे? शस्त्र तो चलता नहीं, ये मरता नहीं शस्त्र से। देवाधिदेव महादेव ने कहा चिंता मत कर इंद्र, समुद्र के किनारे ले जाना, समुद्र की लहरें पड़ेगी, लहर पड़कर उस पर फेन आएगा। उस पर फेन आ जाएगा, बस उसी फेन को उठाकर, उसी फेन को उठाकर ओम का नाद कर उस फेन को इसके ऊपर फेंक कर मारना, उसी फेन को फेंक कर मारना। महाराज समुद्र के फेन से कोई असुर मरने वाला है, राक्षस मरने वाला है, कोई असुर मरेगा समुद्र के फेन से? मरेगा। ओम अक्षर में, ओम के अक्षर में वो नाद होता है कि अगर साधारण से साधारण, ये आप लोग जो कई लोग बहुत दुनिया के लोगों को बहुत सारे शरीर में आते रहते हैं ना, अरे बोलो तो जम के। अभी तो नवरात्र चल रही है, अभी भी आ रहे होंगे बहुत सालों को, सीजन है। बहुत सारे लोगों को आते हैं, सब अपना अपना मन है। और शंकर जी तो कांटों में रहते हैं, हम भी एक बोरा धतूरा पटक देंगे उस पर बिठा देंगे, दूसरी बार देवता ही भग जाएंगे। सनाधर्म, सनातन धर्म के अंतर्गत ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है। सनातन धर्म के अंतर्गत तो केवल भगवान की अविरल भक्ति है, जितना कर सकते हो कर।
ये ढोंग प्रपंच, कई लोग कहते हैं इनको देवी जी आ गई, उनको देवता आ गए, हमें आज तक समझ में नहीं आया देवी देवता सबको आते हैं, कभी नेहरू जी और महात्मा गांधी क्यों नहीं आए इनके शरीर में, कभी स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आए, कभी लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं आए शरीर के अंदर, देवता आ गए कहा ना। भक्ति करो, दिखावा कभी मत करो, भजन करो, छल कभी मत करो, जल चढ़ाओ पर दिखावे से मत चढ़ाओ, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ दिखावे से मत लगाओ, पोछा लगाओ दिखावे से मत लगाओ, और अगर भगवान से कुछ मांगो भी तो कहकर नहीं दिल से मांगो, वो भंडार भर कर चला जाता दिखावे से। थोड़ा प्रपंच से दूर होइए, छल से दूर होइए, भक्ति में डूबने का प्रयास करो, एक लोटा जल ले महादेव को चढ़ाओ। हाँ, किसी किसी के शरीर में देवी की तरंग, देवता की तरंग किसी किसी के शरीर में आती है, वो केवल दुनिया के लोगों का कल्याण करने के लिए आती है, आए कल्याण करे ठीक है, पर जब हम उसको व्यापार बना लेते हैं अपनी जेब भरने के लिए, तो वो तरंग भी काम करना बंद कर देती है, फिर उस तरंग का कोई महत्व नहीं, उस तरंग की कोई महत्व नहीं। नमुची ओम अक्षर में वो नाद है, ओम अक्षर में वो तत्व है, केवल अगर कोई दुखी भी है और ओम का नाद कर जल का आचमन भी कर लेता है या दल का छींटा भी ले लेता है, तो ओम के नाद में सुख प्राप्त हो जाता है। ओम कहकर समुद्र के फैन को फेंकना, ये मर गया, समुद्र का फैन लिया, ओम कहा और फेंका, नमुची के प्राण छूट गए, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव, चारों तरफ हाहाकार के साथ आनंद हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे, नमुची के प्राण छूट गए। नमुची भगवान देव अधिदेव महादेव से कहता है, प्रभु मेरे प्राण तो गए पर आपकी शरण चाहिए, शिव ने अपनी शरण दे, शंकर ने अपनी शरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। समय आया, भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह के बाद में तारकासुर का उपद्रव, षडानंद कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध, श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होगा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, माता पार्वती भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। बोल गणेश जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ, माँ जगत जननी माता पार्वती भगवान श्री गणेश को लेकर पधारी हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। दो दिवसीय कथा और रही है, कल भी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, टीवी पर भी यही समय रहेगा, परसों के दिन 5वें दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े आनंद के साथ आप सभी ने बड़े भाव से कथा श्रवण करी है, आज कथा का 3रा दिन तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है।